हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं माइंडट्री फ्रेशर्स को हायर कर रही है और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है माइंडट्री का, सैलरी पैकेज क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहने वाला है। तो बात करते हैं आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे सिर्फ 2021 पास आउट बैच ही एलिजिबल हैं, मतलब कि 2021 पास आउट बैच ही इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी कि जो सिर्फ अपने फाइनल ईयर में इस वक्त। और अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो CSE, IT और सर्किटल ब्रांच ही सिर्फ इसके लिए एलिजिबल है। और अगर परसेंटेज क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें 10th क्लास, 12th क्लास और ग्रेजुएशन थ्रू आउट आपका 60% मार्क्स आपके होने चाहिए और इसमें कोई भी बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में अभी, और 1 ईयर से ज़्यादा आपका एजुकेशन गैप नहीं होना चाहिए। और अगर आगे बात करें इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस के 4 राउंड्स होते हैं इसके माइंडट्री के। तो सबसे पहला राउंड होने वाला है, एक ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका 2 आवर्स का, इसके बारे में मैं अभी आप डिटेल्स में बात करूँगा। अगला जो सेकेंड राउंड होगा आपका स्पोकन इंग्लिश टेस्ट होगा, एक ग्रामर टेस्ट, इसमें आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग एबिलिटी आपकी टेस्ट की जाएगी। और जो थर्ड राउंड होने वाला है ये टेक्निकल इंटरव्यू होगा, 4th राउंड आपका HR इंटरव्यू होगा। तो बात करते हैं राउंड 1 की। राउंड 1 में क्या होगा आपका, 4 सेक्शंस होंगे। सबसे पहला इसमें एप्टीट्यूड आपका होगा, लॉजिकल, वर्बल और कोडिंग, कि 4 सेक्शंस आपके होंगे। जो एप्टीट्यूड है उसमें 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, इसके लिए लगभग आपको 15 मिनट मिलने वाला है। और डिफ़िकल्टी लेवल की अगर बात करें हम लोग तो ये मीडियम रहेगा, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। और लॉजिकल एबिलिटी में भी सेम 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसके लिए आपको 15 मिनट मिलने वाला है। इसकी डिफ़िकल्टी लेवल भी मीडियम रहने वाली है। और वर्बल एबिलिटी की बात करें तो उसमें 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसके लिए आपको 10 मिनट मिलेगा और इसकी डिफ़िकल्टी लेवल भी इसका मीडियम रहने वाला है। बात करते हैं कोडिंग की। कोडिंग में 6 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसके बारे में अभी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ये आपको यहाँ पे 2 आवर्स का टाइम मिलने वाला है, मतलब 120 मिनट्स का। ये 120 मिनट्स सिर्फ आपको कोडिंग के लिए नहीं है, ये जो एप्टीट्यूड, लॉजिकल, वर्बल, कोडिंग, ये सब राउंड मिला करके, ये सारे सेक्शन मिला करके आपको 2 आवर्स का टाइम मिलने वाला है। 2 आवर के अंदर आपको ये पूरा टेस्ट कम्प्लीट करना होगा राउंड 1। और इसकी जो कोडिंग की जो डिफ़िकल्टी रहने वाली है वो मीडियम से हाई रहने वाली है। अब आगे बात करते हैं राउंड 2 की। अभी मैं राउंड 1 के इनके बारे में डिटेल सिलेबस बात करूँगा, पहले राउंड 2 की बात कर लेते हैं। राउंड 2 में आपके फिर से इसमें भी 4 सेक्शंस रहने वाले हैं। सबसे पहला आपका स्पीकिंग सेक्शन रहेगा, इसमें रीडिंग क्वेश्चन, रीडिंग के 10 क्वेश्चंस होंगे, लिसन और स्पीक के इसमें 8 क्वेश्चन होंगे। और इसके आगे अगला जो सेक्शन होगा इसमें 1 मिनट स्पीकिंग, मतलब आपको रैंडमली आपको 3 टॉपिक दिए जाएंगे, मतलब 3 क्वेश्चन होंगे, आपको तीनों टॉपिक पर 1-1 मिनट बोलना होगा, इसके लिए आपको 3 मिनट मिलेगा। और आगे बात करते हैं बेसिक ग्रामर की, इसमें 34 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 34 क्वेश्चंस, और इसके लिए आपको कंबाइंड टाइम 45 मिनट मिलेगा। अभी मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। ऑडियो कॉम्प्रिहेंसन के 16 क्वेश्चन रहने वाले हैं। कंबाइंड टाइम 45 मिनट्स का मतलब आपको ये पूरा राउंड आपको 45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना होगा, ये पूरा राउंड। आपको इंडिविजुअल के लिए कोई टाइम नहीं मिलेगा। आप चाहें तो बेसिक ग्रामर के लिए 34 के कुछ आप कम मिनट भी ले सकते हैं, ज़्यादा मिनट भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ये पूरा राउंड 2 जो है 45 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा। अब बात करते हैं राउंड 1 में ये जो एप्टीट्यूड, लॉजिकल, वर्बल और कोडिंग, इनके डिटेल्ड सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले एप्टीट्यूड सिलेबस की बात करते हैं। सबसे आपके लिए सबसे गुड न्यूज़ यहाँ पे है, इस पूरे एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। और एप्टीट्यूड सिलेबस में 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, लगभग आपको 15 मिनट मिलेगा। इसके आप टॉपिक्स यहाँ पे देख सकते हैं, LCM, NHCF वगैरह वगैरह, ये सब आप देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी रहेगी। आगे बात करते हैं लॉजिकल सिलेबस की, इसमें भी सेम नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मिनट मिलेगा। इसमें भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर थर्ड हम बात करें वर्बल सिलेबस की, यानी इंग्लिश में इसका सिलेबस रहने वाला है, इसका सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब आप देख सकते हैं, ये सब इसमें पैसेज वगैरह भी होगा। इसमें भी 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 10 मिनट आपको मिलने वाला है। अब आगे बात करते हैं कोडिंग राउंड की। अगर कोडिंग राउंड की बात करें, या तो इसमें आपके 6 क्वेश्चंस होंगे या तो 8 क्वेश्चंस होंगे। मतलब अगर आपके 6 क्वेश्चन होंगे तो 2 क्वेश्चन आपके इजी होंगे, 2 एवरेज होंगे और 2 डिफ़िकल्ट होंगे। और अगर आपके 8 क्वेश्चंस होंगे तो 3 इजी होंगे, 3 मीडियम होंगे और 3 यहाँ पे आपके डिफ़िकल्ट रहने वाले हैं। टोटल ये जो कोडिंग क्वेश्चन है ये 225 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें इस तरीके से जो सेक्शन 1 है इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन होगा, सेक्शन 2 DS यानी डेटा स्ट्रक्चर और एल्गो का क्वेश्चन होगा, सेक्शन 3 जो है एडवांस एल्गो का क्वेश्चन होगा।
सेक्शन वन इम्प्लीमेंटेशन, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपके जो बेसिक्स कोडिंग क्वेश्चन होते हैं जैसे पैलिंड्रोम वगैरह ये सब फाइंड करना, प्राइम नंबर्स, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन इसके क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये आपको या तो दो क्वेश्चन दिखेंगे या तीन क्वेश्चन, ये आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है, इसका इसकी डिफिकल्टी ईजी रहने वाली, इसको आप आराम से कर पाएंगे सॉल्व। और जो सेक्शन टू है इसमें DS एल्गो डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन रहेगा, इसकी डिफिकल्टी मॉडरेट रहने वाली है, इसमें भी आपको या तो दो क्वेश्चन दिखेगा या तीन क्वेश्चन दिखेगा, ये 75 मार्क्स का रहने वाला है। जो थर्ड सेक्शन इसमें होगा कोडिंग का, ये इसमें एडवांस एल्गो होगी, इसका क्वेश्चन इसके जो डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, बहुत ज़्यादा टफ होगा ये, और इसमें दो क्वेश्चन दिखेंगे आपको, ये 100 मार्क्स का दिखेगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट में आप बताइए मुझे, मैं इसके बारे में और डिटेल में कोडिंग के ऊपर एक न्यू एक वीडियो बनाऊंगा, मैं इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। और अगर आगे बात करें वीडियो में, इसमें सैलरी पैकेज क्या रहने वाला है, सैलरी पैकेज इसका 3.2 LPA से 3.6 LPA तक रहने वाला है, मतलब आपकी 3.2 लाख पर एनम से 3.6 लाख पर एनम तक रहने वाली है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप लोग चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बनाऊँ तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स आपका है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के ऊपर बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए अपना, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।